नमस्कार बच्चों, मैं सुरेश मिश्रा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑनलाइन पर। सबसे पहले सर ने बहुत आपसे अनुरोध भी नहीं किया कि आप अपने पीछे से जो आवाज आ रही है उसको बंद करा दो। मेरी एक जिम्मेदारी, मैं एक सुझाव देता हूँ, पीछे से बच्चों की आवाज आती है, बर्तन की आवाज आती है, उस बच्चों को चुप कराए मेरा बचपन। जो बच्चे बातें कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे गीत हैं। शुरुआत मैं करता हूं, देखिए कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। बीच बीच में मैं आपको गीत सुनाता रहूंगा, बीच बीच में ये पूरी जो पढ़ाई आज की होगी ना वो एकदम आनंददायी होगी, हंसते हंसते हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत वहां से करता हूं कि मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन। मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन। और तालियां बजाओ है पढ़ाने की गारंटी यार टन 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 टन। बातचीत छोड़ो, बुक से नाता जोड़ो, जैसा मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ हो लो। राष्ट्रपिता मानता है किसको सारा कंट्री बोलो टन 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 टन। तालियां बजाओ है सिखाने की गारंटी यार टन 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 टन। बच्चों इस तरह के हम बहुत सारे गीत आपको सुनाएंगे, बीच बीच में सुनाते रहेंगे, मगर इतना ध्यान रखिए कि आपको जब बोलना है तब अपने को अनम्यूट करिए, बाकी हमेशा अपने को म्यूट करे रहिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पाठ शुरू करें उससे पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जिसको मालूम होगा वो अपना अनम्यूट होकर के जवाब देगा। स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था, उनमें से एक एक नाम आप लोग बताएंगे, जिसको मालूम हो एक नाम हाथ उठाकर के अनम्यूट करके एक नाम बताएगा, फिर दूसरा एक नाम बताएगा, देखता हूं किसको किसको मालूम है। चलो, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, जानते हो? सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड, क्या नाम? बहुत अच्छे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अमित। अमित, जोरदार तालियां बजाओ अमित के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस। और दूसरा गांधी जी, गांधी जी का बेटा पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, वेरी गुड। और दूसरा नाम, और कोई नाम? और एक और यार, कोई नाम बताओ जो तुम्हें याद हो। भगत सिंह, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। और दूसरा, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको बहुत अच्छे, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे नाम है, उनमें से एक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। और उनके बारे में जानकारियां क्या, उन्होंने अपने अपनी तरफ से जो हमें बताया है वो जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बच्चों एक कविता मैं आपको सुनाता हूं, जो जब आपकी उम्र के हम लोग थे ना, तब उसको पढ़ा करते थे। हम जब चौथी पांचवी में पढ़ते थे तब वो कविता पढ़ते थे। मुझे मालूम है आप बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने उस कविता को सुना है। वो कविता मैं सुना रहा हूं कि हम सब के थे प्यारे बापू, सारे जग के न्यारे बापू, कभी नहीं मत हारे बापू, भारत के उजियारे बापू, लगते तो थे दुबले बापू, थे ताकत के पुतले बापू, सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू। किसी ने कविता सुनी है? नहीं सुना है ना? कोई बात नहीं है, ये कविता हम बचपन में पढ़ा करते थे जब चौथी पांचवी में थे। आप मैं अच्छा अब मैं दूसरी वो कविता सुना रहा हूं जो आपने जरूर सुना होगा।
उसको सुन करके बताइए कि ये कविता ये गीत किसके लिए लिखा गया है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना धार। सुनो सुनो उसका नाम बताना है कि किसके लिए ये गीत लिखा गया है। दे दी हमें पूरा गीत होने दीजिए इसके बाद बताओ। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे तूने धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी ने कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाहरे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बताओ ये गीत किसके किस महापुरुष के बारे में है, किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है? गांधी जी के बारे में। वेरी गुड, महात्मा गांधी जी के बारे में है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो महात्मा गांधी से संबंधित पाठ है। पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे को क्या याद होगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो हम बता रहे हैं ना, जो आपको याद नहीं है वही चीज तो हम बता रहे हैं, आपको आए हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों महात्मा गांधी के बारे में जो पाठ पढ़ने हम जा रहे हैं उसका नाम है मेरा बचपन। मेरा बचपन यानी महात्मा गांधी स्वयं बता रहे हैं कि मेरा बचपन कैसा था। एक वीडियो छोटा सा हम आपको दिखाते हैं, उस वीडियो को आप देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद हम उस वीडियो में देखे हुए चीजों के बारे में आपसे पूछेंगे। ध्यान से सुनना, अपने को म्यूट करो, सारे बच्चे अपने को म्यूट करें, फिर वीडियो देखें, इसके बाद फिर उससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। चलो देखियो, देखो ये वीडियो। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे, उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माता जी साधी स्त्री थी, बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती, व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादों बदी द्वादशी के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की दूसरी तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन भी वहीं बीता। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था, उनके प्रति मेरे मन का आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक रूप से था। इसी समय के दो प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी, वह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक था। उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों बायोस्कोप दिखाने की दरवाजे पर लोग आया करते थे। मैंने उसमें श्रवण कुमार द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा कर यात्रा पर ले जाने का चित्र देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मेरे मन में उठने लगा। इसी बीच एक नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी।
हरिश्चंद के सपने आया करते थे। हरिश्चंद जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन मुझे लगी रहती थी। मेरे मन में हरिश्चंद और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदा ध्यान देता था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव, साथ साथ दीन दुखियों के दर्द को समझना आज भी मेरे मन का मूल मंत्र बना हुआ है। मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। मैं सैर करने लगा, इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है, ये पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इसमें लगता ही नहीं था। अब मुझे यह लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ खेल एवं व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। कुछ गलत मित्रों की सोहबत ने मुझे कष्ट खींचने का शौक हो गया। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराने शुरू कर दिए। मेरी यह सदैव धारणा रही कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं पाया। प्रत्येक बाल युवा प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। अंकित, बच्चों, यह सब महात्मा गांधी ने हमें यह सब बताया था। बाकी सब बच्चे अपने को म्यूट रखेंगे और उसके बाद फिर दूसरा अनम्यूट होकर के पढ़ेगा। चलो पढ़ो। और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे, उनका नाम कर्मचारी था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माता जी साध्वी स्त्री थी, बड़ी भावुक, पूजा पाठ के न कभी भोजन न करती, व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माता जी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। बचपन में ना मुझे कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संत भादो द्वादशी के दिन अर्थात सन 1800 के अक्टूबर के दूसरी तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वहीं बीता। बहुत अच्छे। बस बेटा, वो 1859 नहीं है, 1869 है। चलो अब दूसरा कोई बच्चा पढ़ेगा। अब दूसरा कोई बच्चा पढ़ेगा। चलो बेटा पढ़ो। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी। बेटा सुनो, मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रेम प्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवाने थे। उनका दीवाने बेटा दीवाने नहीं दीवान दीवान थे
उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतली बाई था और मेरे पुतली बाई बेटा पुतली बाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माता जी साध्वी स्त्री थी। सर बहुत अच्छे हाँ मालूम साध्वी स्त्री थी। मन पर यह छाप है स्त्री थी। बड़ी भावुक पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। वस्त्र व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माता जी व्यवहार कुशल थी। दरबार की सब बातें जितना जानती थी। बचपन में माँ मुझे जानती थी बोला। ओके आगे। कभी अपने बचपन में माँ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माँ माता पिता के यहाँ स्वंत 1925 संवत 1925 की भादो द्वादशी के द्वादशी के दिन अर्थात 1869 के अक्टूबर की दूसरी तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वही बीता। अब दूसरा बच्चा उसके आगे से पढ़ेगा। चलो स्क्रीन पर मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। मुझे राजकोट की यहाँ से पढ़ेगा सर। मैं मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। मेरे गिनती प्रेरी के विद्यार्थियों में ही होगी। बहुत अच्छे। अब दूसरा कोई बच्चा पढ़े उसके आगे से। सर मैं पढ़ता उसके आगे दूसरा कोई पढ़े। हाँ मैं पढ़ता हूँ। हाँ उसके आगे से किधर से सर? यहाँ से मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 बरस की रही होगी। बेटा उम्र नहीं है, उम्र है। उम्र तब मेरी उम्र उम्र और उम्र में अंतर है ना। हाँ तब मेरी उम्र जी सर जी सात उम्र 7 बरस
की रही होगी मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद है। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था, उनके प्रति मेरा आदर अभी घटा नहीं। बड़ों के सोत्रुस न देने का गुण देखने गुण मुझे स्वाभाविक रूप से था। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहे वह करना चाहिए, जो करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के दो प्रश्न सदा मुझे याद रहे हैं। पिता जी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी, वह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक था। उसे बड़े चाव से पढ़ा गया। उन दिनों बायोस्कोप दिखाने वाले सर हो गया दरवाजे पर फिरा करते थे। उसमें मैं श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ के में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण में समान होना चाहिए, वह भाव बहुत अच्छे बच्चे बहुत बढ़िया पढ़े, और हम दूसरे बच्चों से फिर से पढ़वाएंगे, लेकिन हम आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो जिन जिन बच्चों ने पाठ को पढ़ा वाचन किया उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, सब कोई बजाओ, बहुत बढ़िया। आगे हम दूसरे बच्चों से भी पढ़वाएंगे। हमने महात्मा गांधी से उनकी बातें पढ़ी, उनकी बातें सुनी, ठीक है। बच्चे अपना माइक अनम्यूट करो, वही अनम्यूट करेंगे जिनको पढ़ना होता है, जिनको उत्तर देना हो, बाकी सब म्यूट करके रखो, पीछे से आवाज आ रही है। तो महात्मा गांधी के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली वीडियो के माध्यम से और पढ़ करके भी देखा। तो महात्मा गांधी जी जो थे उनके पिताजी का नाम किसी को याद है क्या? मैंने कहा था ना वीडियो देखो और पढ़ेंगे तो उसमें से हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, है ना। तो बताओ महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? जिसको उत्तर देना है अपने कन्फ्यूज करेगा। हाँ बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ जोरदार। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था श्री करमचंद गांधी, ठीक है। अब दूसरा बच्चा उत्तर देगा। बताओ हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतली बाई। बहुत अच्छे बेटे, पूरे वाक्यों में उत्तर दो,
महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आपको तो याद ही होगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताओ। पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर, बहुत अच्छे। कभी भी उत्तर देते हैं ना बेटा तो पूरे वाक्य में उत्तर देते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए कि महात्मा गांधी को कितनी उम्र में पाठशाला भेजा गया, जब उनको पाठशाला भेजा गया ग्राम पाठशाला में, तो उनकी उम्र कितनी थी? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बच्चे, सभी बच्चे तालियां बजाएं। महात्मा गांधी को जब विद्यालय भेजा गया, पाठशाला भेजा गया, तो उनकी उम्र 7 साल की थी। सही बताओ महात्मा गांधी के उम्र, हाँ 7 की 12, 7 सात साल की थी, ठीक है। महात्मा गांधी के पिताजी कौन सी पुस्तक लाए थे जिस पर महात्मा गांधी की नजर पड़ी? महात्मा गांधी एक पुस्तक लाए थे ना, नाटक की पुस्तक लाए थे, उसका नाम क्या था? नाटक, हाँ नाटक था, उसका नाम क्या था? उस नाटक की पुस्तक का नाम था श्रवण कुमार पितृभक्ति। बोलो कौन सा, क्या नाम था? बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा श्रवण कुमार के चित्र को महात्मा गांधी जी ने कहाँ देखा था? दरवाजे पर कौन आया करता था? दरवाजे पर दिखाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां बजाओ सब कोई। उस समय बाइस्कोप दरवाजे पर घूम घूम करके हमें फिल्में, बच्चों को फिल्में दिखाया करते थे, तो ठीक है। बाइस्कोप में महात्मा गांधी ने श्रवण कुमार को कांवर पर अपने माता पिता को ले जाते देखा, और तब जाकर के उनके ऊपर दो चीजों का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी ने वह नाटक की किताब पढ़ी और बाइस्कोप में देखा, इसके ऊपर इन दोनों चीजों का महात्मा गांधी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, और महात्मा गांधी जी ने सोचा कि हमें भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद कुछ देखो, कुछ शब्द हम बोलते हैं, कुछ शब्द हम बोल रहे हैं, उसका आपको समानार्थी बताना है। समानार्थी समझते हो ना? यस सर। समानार्थी, बच्चे सारे बच्चों की आवाज आ रही है, अपने को म्यूट करो, जिस बच्चे को उत्तर देना है वही बच्चा खाली अनम्यूट करेगा। मैं एक शब्द दे रहा हूँ, उसका आपको समानार्थी बताना है। चलो हमारे शब्द, हमारे पाठ में आए हुए शब्द हैं, उनका समानार्थी बताना है। पहला शब्द है रिश्वत। रिश्वत याद है, पाठ में आए थे पढ़ते समय, वीडियो में भी आपने देखा था, आप पढ़ रहे थे तब भी देखा था। रिश्वत माने क्या होता है? रिश्वत का समानार्थी क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ, रिश्वत, हाँ वो तो बोल बेटा। सर रिश्वत का मतलब होता है दूसरे से उधार लेना। हाँ, दूसरा कोई बताए उधार लेना है, और दूसरा कोई बताए उधार लेने को रिश्वत नहीं कहते बेटा। उधार लेते हैं तो देना पड़ता है, लेकिन जो रिश्वत लेते हैं ना वो वापस नहीं लेता। सर कोई काम करते थे रिश्वत लेते हैं। हाँ तो वही रिश्वत माने क्या होता है? समानार्थी मैं बता देता हूँ आपको, रिश्वत माने होता है घूस। घूस, घूस, हाँ घूस देते हैं ना। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, घूस है ना। जैसे जैसे आप बिजली का कनेक्शन लेने के लिए किसी ऑफिस गए और वहाँ खर्चा लगता है 5,000,
और उस कर्मचारी ने कहा कि मुझे आप 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपका काम फटाफट करवा दूंगा। तो ये जो 5,000 के अलावा 5,000 आपने अलग से दिया काम कराने के लिए ना, वो घूस है, वो रिश्वत है। तो रिश्वत, रिश्वत माने घूस, समझ में आ गया? यस बहुत अच्छा। अगर समझ में आ गया तो एक वाक्य बनाओ, एक अच्छा सा वाक्य बनाओ जिसमें रिश्वत शब्द आ जाए, रिश्वत का उपयोग हो जाए, वाक्य प्रयोग में आ जाए। वो कौन कर सकता है? एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें रिश्वत शब्द का उपयोग हो जाए, वाक्य प्रयोग करो। राम ने कौन कर सकता है? मोहन ने हाँ? अपने मित्र को नहीं, दुकान वाले को नहीं। अरे चलो एक वाक्य मैं बना देता हूँ, उसके बाद अपने मन से आप दूसरा वाक्य बनाओ, है ना। हमें कभी भी रिश्वत नहीं देनी चाहिए, ठीक है? यस सर। हमें किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए। अब तुम दूसरा वाक्य बनाओ। हमें किसी से ना रिश्वत लेनी चाहिए। बहुत अच्छा, हमें किसी से रिश्वत लेनी भी नहीं चाहिए। और दूसरा, रिश्वत लेनी नहीं चाहिए। बहुत सारे कर्मचारी हैं जो रिश्वत लेकर काम करते हैं। रिश्वत हमारे देश के लिए कैंसर के समान है। रिश्वत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। साधारण का माने क्या होता है? इसका समानार्थी क्या होता है? मतलब सामान्य। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ, जोरदार तालियां सिंगिंग के लिए बजाओ। साधारण मतलब सामान्य। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे साधारण का। सिंपल, वो तो अंग्रेजी है सिंपल ना। हिंदी की बात पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी में पढ़ रहे हैं। साधारण यानी सामान्य, कोई बात नहीं। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, साधारण का वाक्य प्रयोग करो। कौन कर सकता है? वह लड़की साधारण है। और बढ़िया, साधारण मनुष्य है। बहुत अच्छे, वह एक साधारण मनुष्य है। अपने पास में एक वाक्य आया हुआ है, वह एकदम साधारण बच्ची है। वो एक साधारण महिला है। बहुत अच्छे, और कोई? साधारण बच्ची है। महात्मा गांधी एक साधारण विद्यार्थी की तरह थे। हाँ बहुत अच्छे। चलो हम दूसरा शब्द देते हैं, उम्र। उम्र, उम्र माने क्या होता है? उम्र का समानार्थी क्या होता है? उम्र का साल। उम्र, उम्र का समानार्थी क्या होगा? साल। साल नहीं, वर्ष। उम्र, उम्र तुम्हारी कितनी उम्र है? तुम्हारी उम्र, उम्र माने आयु। अंग्रेजी में उसको एज कहते हैं ना, उम्र, आयु। चलो वाक्य बनाओ, वाक्य प्रयोग करो उम्र का। तुम कितने साल के? मेरी आयु 9 साल की है। इसमें आयु नहीं आनी चाहिए। मेरी आयु 9 साल की है। हमारी आयु 7 साल की है। महात्मा गांधी जब पाठशाला गए तो उनकी उम्र 7 साल की थी। उम्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है? उम्र के हो, मेरी आयु 10 साल की है। आयु नहीं करना है यहाँ, उम्र का वाक्य प्रयोग करते हैं तो उम्र शब्द ही आना चाहिए, ठीक है? मेरी उम्र 10 साल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, 10 साल की है मेरी उम्र 9 साल की है। बहुत अच्छे। अच्छा चलिए हम लोग एक खेल खेलते हैं। खेल खेले
तैयार है ना? खोल के बोलना है। हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। खेले हो ना? लेकिन फिल्मी गानों वाली अंताक्षरी यहाँ नहीं होगी। यहाँ हम एक शब्द देंगे, नियम देखो समझो। यहाँ हम एक शब्द देंगे, उस शब्द के अंतिम वाले अक्षर से दूसरा बच्चा दूसरा शब्द कहेगा। तो दूसरा बच्चा जो शब्द कहेगा उसके आखिरी का जो अक्षर है उसको लेकर के उस वहां से शुरुआत होगी उस अक्षर से, और वो उस अक्षर से दूसरा शब्द दूसरा बच्चा बताएगा। ठीक है? Yes, okay? एक साथ में सबको नहीं बोलना है। हम आपको हाँ हम ये बात, समय अपना खत्म हो रहा है ना, तो इसको हम अगली बार पढ़ेंगे, अगले पाठ में पढ़ेंगे, खेल खेलेंगे अगली बार में। हमारे पास बहुत सारे गीत हैं, आपको सुनाने वाला हूँ अगले पाठ में, निश्चित रूप से सुनाऊंगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको करके हमें पोस्ट करना है। बेटा देखो ये आपका होमवर्क है, इसको लिखो और इसको लिख करके हमें पोस्ट करना है आपको। लिख लो जल्दी से, हाँ लिख लो, कॉपी में लिख लो, नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लो। लॉकडाउन में बाहर मत निकलो, हर घंटे पर हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर लगाते रहो, बहुत जरूरी हो तब बाहर जाओ। और अगली बार आपको हम कोरोना पर बहुत बढ़िया गीत सुनाने वाला हूँ, खुद भी आना और भी लोगों को अपने बच्चों को बता देना, अपने साथियों को, वो भी आएंगे जुड़ेंगे। ठीक है? ओके बाय बेटा। बाय बाय सर।